तो दोस्तों अभी तक हमने जीमेल फंक्शन यूज किया है। आपका जीमेल फंक्शन अगर वर्क नहीं कर रहा होगा तो आप जीमेल फंक्शन में अपने जीमेल में लॉग इन कीजिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप गिव एक्सेस टू लेस सिक्योर एप्स नाम की एक सेटिंग होगी जिसे ऑन करना चाहिए। ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद आपका ये फंक्शन काम होगा। मैंने उसे ऑन किया है, ये देखिए मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद उसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ फंक्शन। ओके, गुड आफ्टरनून सर। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल। व्हाट शुड आई से सर? दिस प्रोजेक्ट इज ओवर। इसने रिकॉग्नाइज किया और ये ईमेल सेंड कर देगा। ईमेल हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। थैंक यू। सो कुछ देर में हमको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि ईमेल सेंड हो चुका है। तब तक मैं आप देखिए यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट इज ओवर। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वेब को कैसे एक्सेस करें। अगर आप रोज गूगल खोलते हैं तो गूगल कैसे एक्सेस करें। अगर आप रोज YouTube ओपन करते हैं तो YouTube कैसे खोले, तो उसके लिए आप मेरे सर्च टाइप कीजिए इम्पोर्ट वेब ब्राउजर। अगर आपका वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है तो आप टाइप कीजिए पिप इंस्टॉल वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इतना एलिफ स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आपके एलिफ स्टेटमेंट में ओपन गूगल होगा, अगर आपने कहा कि ओपन गूगल इन क्वेरी, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? वर्कबुक वेब ब्राउजर डॉट न्यू टैब में ओपन करेगा google.com। सिमिलरली अगर आपको यूट्यूब ओपन करना हो तो यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं। आप कैसे? इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और ओपन यूट्यूब होगा, यूट्यूब होगा तो youtube.com से ओपन करिए। लेकिन मुझे हमेशा इन दोनों पे ही नहीं यूज करना है। मुझे अगर डायरेक्ट सर्च करना है वॉइस कमांड से कि गूगल के थ्रू मुझे अमेजोन सर्च करना है, तो क्या करता हूँ मैं गूगल से कि पहले सर्च करो क्रोम पे, सर्च ऑन क्रोम पे सर्च करो। अगर ऐसा क्वेरी में होगा तो क्या करेगा? पूछेगा हमसे क्या सर्च करूं सर, स्पीक व्हाट शुड आई सर्च सर। ओके, तो ये पूछने के बाद हम बताएंगे तो वो हमारे वो इसके लिए सर्च कमांड होगा। उसके लिए सर्च होगा तो टेक कमांड इसके लिए सर्च के लिए काम करेगा। ठीक है, सर्च करने के लिए पहले एक्सेस करेगा क्रोम को। तो क्रोम को एक्सेस करने के लिए आप क्रोम पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाइए। क्रोम पाथ नाम का वेरिएबल और एक स्ट्रिंग होगा। क्रोम पाथ नाम का वेरिएबल बनाने के लिए, क्योंकि हमें क्रोम को एक्सेस करना है, हमारे डिवाइस में बाय डिफॉल्ट क्रोम की एक .exe फाइल रहती है, उसको एक्सेस करने के लिए आप क्रोम पे क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन करने के बाद आपको एक एड्रेस बार कॉपी करना है पूरा, कंट्रोल सी कॉपीड और अपने जावास्क्रिप्ट एआई में ये एड्रेस बार आपको यूज करना है। तो यहाँ पे और एक बैकवर्ड स्लैश दीजिए वैसे ही और टाइप कीजिए क्रोम डॉट exe। मेक श्योर की स्पेलिंग आप ही सही हो और उसके बाद परसेंटेज एस नाम का एक सिंबल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड स्लैशेस है
ये बाय डिफॉल्ट यूज नहीं हो रहे मेरे पीसी में, तो मैं अल्ट दबाऊंगा। अगर आपको पीसी में हो रहे हैं तो कीजिए, वरना आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। अल्ट दबाए रखिए और जहां जहां आप क्लिक करेंगे वहां वहां एक कर्सर बनता जाएगा, वहां वहां आप जो भी टाइप करेंगे वो काम होता रहेगा। बैकस्पेस करूंगा, फॉरवर्ड स्लैशेस, दो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करूंगा, तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ भी आ गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो क्रोम पाथ हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अब हम वेब ब्राउजर को कहेंगे कि क्रोम पाथ यूज करो। क्रोम पाथ यूज करने के बाद हमें एक न्यू टैब में हमारे सर्च का आंसर दो, तो वो कैसे कर सकते हैं, वेब ब्राउजर डॉट गेट, इट विल गेट द क्रोम पाथ, क्रोम पाथ यूज कर दो, और फिर क्रोम पाथ यूज करने के बाद न्यू टैब में ओपन करो, ओपन न्यू टैब, न्यू टैब का कंटेंट होगा हमारा सर्च, और सर्च का .com की फाइल, .com की फाइल हमारी नई कंटेंट होगी, जिसको हम रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर मिस्टेक आ रहा है, इसको वापस रन करते हैं, .exe है वो। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जावेस, जावेस सर्च ऑन क्रोम। What should I search, sir? Search for Amazon. Search for नहीं, यहाँ पे शायद से search Amazon होना चाहिए। एक बार वापस रन करते हैं हम इसे। Good afternoon, sir. Search on Chrome. What should I search, sir? Amazon. देखिए अभी Amazon.com की साइट पे लिखे आ रहा है, बहुत यूजफुल, यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद ठीक है, जारिस ओपन YouTube. ये हमारे लिए यूट्यूब खोलना चाहिए इसमें, आप यूट्यूब करने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए आप ये यूज कर रहे हैं, अभी इसने यूट्यूब भी ओपन कर लिया और यहाँ से हमारी सारी बातें सुन भी रहा था, तो ठीक है। वो क्या कोई कोड समझ में आया होगा, हमने वेब ब्राउजर इंपोर्ट किया, उसको नए टाइम में खोला, हमारे पास जो जो भी हमारे जो रेगुलर विजिट करने के लिए आपके पास होगा उसको इसी कमांड में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कमांड रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस और आपका काम हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेस करेंगे अपने कंप्यूटर के मीडिया फाइल्स को। थैंक यू।